बॉलीवुड के कमिश्नर साहब इफ्तिकार खान, जिन्होंने अपनी बेटी के कारण घुट घुट कर आखिरी लम्हे बिताए। साल 1940 से 1990 तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इन्हें द रियल पुलिस कमिश्नर ऑन ऑफ बॉलीवुड कहा गया, क्योंकि इन्होंने फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के दमदार किरदार निभाए और उनमें जान फूंक दी। इसके अलावा इन्होंने पिता, अंकल, दादाजी, कोर्ट रूम जज और डॉक्टर के किरदार भी निभाए, जिनमें इन्हें पसंद भी किया गया। एक्टर होने के साथ साथ ये एक पेंटर और सिंगर भी थे, लेकिन इनकी मौत इफ्तिकार ने कोलकाता की एक यहूदी लड़की हमजा जोसेफ से शादी की थी, जो धर्म बदलकर रेहाना अहमद हो गई। इनकी दो बेटियां थीं, सलमा और सईदा। सईदा की 7 फरवरी साल 1995 के दिन कैंसर से मौत हो गई। बेटी को तिल तिल मरता देख इफ्तिकार को झंझोर कर रख दिया था। बेटी की मौत के बाद ये बीमार पड़ गए और अंदर ही अंदर ये इतने घुट रहे थे कि बेटी की मौत के एक महीने के अंदर ही 4 मार्च साल 1995 को इफ्तिकार ने 71 साल की उम्र में दम तोड़ दिया था।